लगातार तीन महीने से एक व्यक्ति की चर्चा बहुत तेजी से राजनीतिक रूप से हो रही है। बताया जा रहा है राजीव पाटिल भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, आमदार का चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव इस कदर लड़ेंगे कि उनकी दावेदारी नाला सोपारा से भी हो सकती है। इन सभी चर्चाओं के बीच में राजीव पाटिल वाकई में भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, अगर बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ते हैं तो क्या कुछ राजनीतिक भूकंप होगा और अगर नहीं छोड़ते हैं तो भी क्या कुछ असर होगा, आइए इस बात का ठीक से विश्लेषण करके समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। लगातार तीन महीने से एक व्यक्ति की चर्चाएं राजनीतिक रूप से बड़ी तेजी से हो रही हैं। उनका नाम है राजीव पाटिल उर्फ नाना। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो संपर्क में हैं बड़े नेताओं के और कभी भी वो पार्टी छोड़ सकते हैं, यानी बहुजन विकास आघाड़ी। सबसे पहले हम जाते हैं 2014 से पहले, क्योंकि 2014 के पहले के चुनाव यानी 2009 में ये संभावनाएं थी कि राजीव पाटिल को बहुजन विकास आघाड़ी से वसई से आमदार का टिकट मिल सकता है, लेकिन उन दिनों उनको नहीं मिला, नारायण मानकर को मिल गया। इसी से चालू होती है खटपट की आवाज़ तेज होना। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि उस दौरान यानी 2009 के दौरान उनको टिकट ना मिलना ही उनके लिए और उनके कुछ समर्थकों के लिए ये नाराज़गी भरा सिद्ध होता है, या उनको नाराज़गी वहीं से उनकी नाराज़गी शुरू हो जाती है। 2009 के बाद में जब 2014 का इलेक्शन आया और भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण भारत में और प्रदेश में भी लहर देखने को मिली, उस दौरान ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं राजीव पाटिल उर्फ नाना। हालांकि ये पूरी बात तब तथ्यहीन हो गई जब राजीव पाटिल कहीं नहीं गए और तीनों सीटों पर वही हुआ जो हितेंद्र ठाकुर, जो बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने चाहा, जब वही हुआ तो कुछ भी ऐसी हलचल नज़र नहीं आई और सारी बातें तथ्यहीन हो गई। यही चर्चा 2019 में हो रही थी जब माना जा रहा था कि 2019 के चुनाव में राजीव पाटिल फिर से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और पूरी तरह मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, लेकिन ये बातें तब तथ्यहीन हो गई जब 2019 में टिकट मिला प्रदीप शर्मा को और प्रदीप शर्मा जब मैदान पे उतरे तो राजीव पाटिल ने भी कमर कस ली और पूरी तरह मैदान में उतर के बहुजन विकास आघाड़ी को जिताने के लिए प्रयास में हो। उन्होंने पूरी तरह बहुजन विकास आघाड़ी को तीनों सीटों पर कैसे विजय हो उसकी रणनीति तैयार करके अपने आप को मुख्य भूमिका में रखा। बोईसर की सीट किस प्रकार से आई और किस प्रकार से गणित को बिठाया गया वो तो हम सभी जानते ही हैं। ऐसे में 2024 में फिर से चर्चा होने लगी कि राजीव पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में महज कुछ महीने बाकी थे। ये आज की चर्चा नहीं है, चर्चा करीबन दो महीने से लगातार शहर में हो रही है। शहर में चर्चा इस प्रकार हो रही है कि पहले उनके आज जो बैनर लगे हैं उससे ठीक 15 दिन पहले ये चर्चा हो रही थी कि देवेंद्र फडणवीस से उनके टेबल बातचीत हो चुकी है। टेबल पर बैठकर उनकी सारी बातचीत हो चुकी है कि तीनों सीटों पर राजीव पाटिल का प्रभाव रहेगा, खासकर जिताने में, और इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा अगर राजीव पाटिल को टिकट मिले। कुछ सूत्र ये बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से बातचीत के बाद उन्होंने अपने कामकाज को अपने समर्थकों से बातचीत भी शुरू कर दिया राजीव पाटिल। चर्चा इस कदर होने लगी कि वो राजनीतिक रूप से भूकंप होगा, पार्टी छोड़ने वाले हैं, इसकी चर्चा बहुत तेज से होने लगी। लेकिन इस बीच में एक बयान आया राजीव पाटिल का, जो बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर इन सारी बातों को खारिज कर दिया और पूरी तरह राजीव पाटिल का पार्टी को छोड़ने वाली चर्चा अब खंडित हो गई। ऐसे में कुछ विश्लेषण जो लगातार सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे थे, फिर वो ये चर्चा करने लगे कि राजीव पाटिल कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उनके ताल्लुक पारिवारिक हैं, उनके ताल्लुक संबंध ऐसे हैं जो 1990 से लेकर अभी तक राजकीय रूप से तो छोड़ दीजिए लेकिन उससे पहले से ही पारिवारिक रूप से अति मजबूत हैं, वो पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। राजीव पाटिल के बयान के बाद में संपूर्ण तालुके में इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विपक्ष ने भी इन सभी अटकलों पे चर्चा करना बंद कर दिया और कहा कि वो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन एकाएक जब उनका जन्मदिन मना उस दौरान उनका इंटरव्यू आया, हमने भी उनके इंटरव्यू उनसे बातचीत की इंटरव्यू किया तो उसमें भी उन्होंने अटकलों पर विराम लगाने वाला कोई भी बयान नहीं दिया। राजीव पाटिल ने स्वयं सीधे तौर पे हमारे इंटरव्यू में यही कहा कि अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं आपको की बताऊंगा, गुप्त रूप से करूंगा और ठीक से करूंगा, आमदार अगर मुझे बनना होगा तो मैं बन जाऊंगा, वो मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें उन्होंने कही और वाड़वा अंदर पर उनकी प्रशंसा आई। इस पर कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो उनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में 5 तारीख के आसपास शहर में बैनर लगता है जिसमें राजीव
पाटिल का बैनर, उसमें बहुजन विकास अघाड़ी का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। ना बहुजन विकास अघाड़ी के लोगो होता है, ना बहुजन विकास अघाड़ी के बड़े नेताओं का जिक्र होता है, ना ही बैनर का कलर निश्चित होता है। ऐसे में आमतौर पर बहुजन विकास अघाड़ी पीले रंग का प्रयोग करती है, लेकिन इस बैनर को साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने स्वयं अपनी ही संगठन का जिक्र किया, कामगार नेता, कर्मयोगी और स्थानीय कामगार नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए दशहरा, दीपावली और नवरात्र की शुभकामनाएं दी। लेकिन यहाँ पर बहुजन विकास अघाड़ी का कहीं भी जिक्र नहीं किया। इस बैनर के लगने के बाद में तमाम राजनीतिक और समाचार पत्रों में भी इस बात का जिक्र होने लगा कि अब हो सकता है कि बहुजन विकास अघाड़ी को टाटा बाय बाय कहने के लिए उनकी रणनीति तैयार हो चुकी है और कभी भी जा सकते हैं। अब ये बताया जा रहा है, कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी के बड़े नेता कहे जाने वाले राजीव पाटिल का संपर्क अमित शाह से हो चुका है, उनकी चर्चाएं हो चुकी हैं, उनकी बातचीत हो चुकी है और अब तय हो चुका है कि उन्हें टिकट वसई से या नाला सुपारा से दिया जा सकता है। ये तो हुई सूत्रों के हवाले की खबर, ये तो हुई उन बातों की बात जो अफवाह इन दिनों चल रही है। इस अफवाह की हकीकत समय आने पर मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक बात और, अगर बहुजन विकास अघाड़ी राजीव पाटिल छोड़ते हैं तो क्या वह उन लोगों के सामने चुनाव लड़ेंगे जो लगभग 35 वर्षों से लगातार सत्ता में रहने, वसई तालुके की राजनीति में गंभीरता वाली अपनी भूमिका अदा करने, उस बहुजन विकास अघाड़ी को सींचने, बड़ा करने और कार्यकर्ताओं के साथ चलने उठने बैठने वाले राजीव पाटिल क्या अलग दल में जाकर उनके सामने चुनाव लड़ पाएंगे या लड़ेंगे जिनसे पारिवारिक संबंध भी उनके गंभीर हैं। ऐसे में अगर उनको पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या राजीव पाटिल मानसिक रूप से इन सब चीज़ों के लिए तैयार है? दूसरी तरफ कहा जा रहा है अगर राजीव पाटिल ने दल नहीं छोड़ा और वो इसी दल में विराजित रहे तो जिस प्रकार की चर्चाएं हैं उन चर्चाओं के बीच अगर दोबारा वो मैदान में बहुजन विकास अघाड़ी के रूप में ही आएंगे और कह देंगे कि ऐसी चर्चाएं तो मैंने की नहीं, मैंने कहा ही नहीं कि पार्टी छोड़ रहा हूं, तो उनकी खुद की छवि पर कितना इसका असर होता है। कहा जाता है कि जब जाने और ना जाने की बात लगातार 3 बार होती गई और इस बार जब उनके बैनर इस तरह आए तो अब अगर वो नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत राजनीतिक तौर पर उनकी छवि पर बड़ा असर हो सकता है। ऐसे में इन सब बातों के आधार पर कहा यह भी जा रहा है कि उनको तवज्जो जिस प्रकार से उनका मन कहता है उस प्रकार से नहीं मिल रहा है बहुजन विकास अघाड़ी में, इसलिए वो बैनर लगाकर इस बात की चर्चा जो हो रही है उसे ना विराम लगाकर ये बताना और जताना चाहते हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी के बड़े नेता उन पर ध्यान दें और उन्हें वसई या कहीं से भी टिकट देकर आमदार के इलेक्शन में यानी विधानसभा के चुनाव में उतरने का मौका दें। इन सब तीनों बातों में क्या हकीकत है वो तो समय आने पर मालूम पड़ेगा। राजीव पाटिल वाकई में भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या नहीं, या बहुजन विकास अघाड़ी में ही रहेंगे, तो आने वाले समय में चुनाव में किस प्रकार मैदान पर उतरेंगे, किस प्रचार प्रसार करेंगे, ये सारी कुछ बातें देखने वाली होगी। फिलहाल तो बहुजन विकास अघाड़ी को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं, इस बात की चर्चा शहर में बहुत तेजी से है।